ये एनर्जी जनरेशन के बारे में बता देते हैं कि सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है। हमारे साथ जो मैग्नेट है उसके हम टाइप बता देते हैं। हमारे साथ कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैग्नेट है। फर्स्ट वन जो है वो एक्सियली मैग्नेटाइज्ड है। ये वो मैग्नेट होते हैं इसका शेप हम बता देते हैं कि एक डिस्क टाइप मैग्नेट है। ये हमारे साथ डिस्क टाइप मैग्नेट है और इसका मैग्नेटाइजेशन किस तरह होते हैं देख ले। लेट्स से ये हमारे साथ मैग्नेट है डिस्क टाइप। एज्यूम कर लो इसका डाया जो है वो 20 mm है। और थिकनेस जो है वो 5 mm है। अब देखें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड हम बता देते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसका होते हैं नॉर्थ टू साउथ। और इसकी स्ट्रेंथ जो हम बता रहे थे कि स्ट्रेंथ कितना होता है इसका, इसका यहाँ पे स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली हाई होते हैं। और स्ट्रेंथ इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो लो होता है। ये हमारा था डिस्क टाइप मैग्नेट था। अगर एक बार मैग्नेट ले लें, ये हमने उसको फ्रंट व्यू में हम शो कर दें, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अगर इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में देख लें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। एज्यूम कर लो इसका लेंथ जो है 1 inch है और 0.5 inch थिकनेस से। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड हम शो करते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा। देखिए ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये हम एक्सियली मैग्नेटाइज की हम बात कर रहे हैं। ये जाते हैं नॉर्थ टू साउथ जाते हैं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो लो हो जाते हैं। देख ले इसका एक फ्री एनर्जी में हम शो करते हैं कि ये मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। नॉर्थ है, साउथ है। ये एक सेक्शन में हम लेते हैं, यहाँ पे हमारे साथ दूसरा मैग्नेट है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होते हैं। ये भी हम सेक्शन में लेते हैं।
अगर ये दोनों सेम लाइन में हो तो ये एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। ये ज़ूम कर लो, सॉरी ये ज़ूम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली सी बात है, अगर ये स्ट्रेट कंबाइन आपस में फील्ड लाइन अगर मिल जाए तो ये एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा जो ब्लॉकिंग में मसला नहीं आएगा। यही वजह होती है जो फ्री एनर्जी जनरेटर में ब्लॉकिंग का मसला आता है। तो फील्ड लाइन अगर सेम लाइन में हो, सेम पाथ फॉलो कर लो, तो ये पॉसिबल है कि ये ब्लॉकिंग नहीं करेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम शो करेंगे कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना होगा, कि एक मैग्नेट और दूसरी मैग्नेट में कितना स्पेस देंगे ताकि मैग्नेटिक फील्ड एक सेम लाइन में हो। दूसरे में हम ये शो करेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह मालूम करेंगे, क्योंकि हम डिवाइसेस में डिवाइसेस पर मालूम करते हैं, अगर हम उसको एक मैनुअल मेथड में हम यूज़ कर ले तो वो किस तरह होगा, ये सारे इशू हम बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।